था। शैलेश कुमार आप ही हैं? यस, विंग कमांडर शैलेश कुमार। फॉर द मैटर, मामला क्या है? मामला कुछ नहीं है, इंस्पेक्टर साहब ने आप दोनों को बुलाया है। आपकी बीबी ने टाइम बताया 5 बजे और आपने बताया 8:25 का और वापसी का 9:25। टाइम में फर्क है। तुम कहना क्या चाहते हो इंस्पेक्टर? तुम नहीं, आप। नमस्कार, मैं मदर डोगरा फिर से हाजिर हूं इस कहानी के दूसरे और अंतिम भाग को लेकर। दोस्तों, अभी तक आपने देखा इंस्पेक्टर पराशर की पूछताछ में विंग कमांडर शैलेश कुमार को गुस्सा आ जाता है और सभी हैरान हो जाते हैं। बोलिए मैडम, जवाब दीजिए, आपने हत्या क्यों की? बताइए। हत्या मेरी वाइफ ने नहीं, मैंने किया। वेरी गुड सर। विंग कमांडर शैलेश कुमार, टाइम के फर्क ने आप दोनों को शक के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया। यकीन नहीं था कत्ल हुआ है, किडनैपिंग का शक था, इसीलिए आपकी वाइफ पर बार बार प्रेशर डाला ताकि अगर चंदन शुक्ला के साथ इनके नाजायज संबंध हैं तो उगल दें। इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं तो अंधेरे में तीर पर तीर चला रहा था, आखिरकार एक तीर निशाने पर लगी गया। आपको गुस्सा आ गया और आपके गुस्से ने मेरे गुत्थी सुलझा दी। आप ये भी बता दीजिए, आपने अपने दोस्त की हत्या क्यों की? इंस्पेक्टर, आप मेरी वाइफ को टॉर्चर कर रहे थे, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैंने गुस्से में कह दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर कैसा है? जैसा है वैसे ही बता दो। देखो ऑफिसर, अब तक मैं आपके साथ इज्जत से पेश आ रहा था, आगे भी आपकी इज्जत बनी रहे इसलिए आपको अपना मुंह खोलना पड़ेगा। अदरवाइज आप जानते हैं पुलिस वाले किस तरह पेश आते हैं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ, मैंने ही उसकी हत्या की, मैं हत्यारा हूँ। क्यों की सर? इसलिए। बताओ ऑफिसर। मेरी और चंदन की पहली मुलाकात आज से 3 साल पहले एक रेस्टोरेंट में हुई थी। विंग कमांडर शैलेश कुमार। विंग कमांडर चंदन शुक्ला। ग्लैड टू मीट यू। मी टू। वैसे आप हैं कहाँ से? आई एम फ्रॉम यूपी, गोरखपुर। मी टू, फ्रॉम गोरखपुर। दैट्स वेरी नाइस सर, आई जस्ट जॉइन हियर। तब तो सिर्फ कॉफी नहीं, नाश्ता आना चाहिए, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। अरे नहीं भैया, मैं नाश्ता करके आया हूँ। क्या कहा भैया? आई एम सॉरी सर। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपके मुंह से भैया सुन के अच्छा लगा। भैया हम यूपी वालों की यही तो बात है, कितनी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाएं लेकिन दूसरों को इज्जत देना नहीं भूलते। यस सर। तो फिर आज रेस्टोरेंट का नाश्ता कैंसिल। अरे भाई, मैं अपनी वाइफ के हाथ का खाना खिलाऊंगा तुमको, घर का खाना। अरे सोच क्या रहे हो, चलिए घर, कम ऑन, चलिए प्लीज। ओके। उस दिन पहली बार चंदन सर हमारे घर आए थे, मैंने उन्हें सुषमा से इंट्रोड्यूस कराया, वो काफी खुश थी, मैं भी खुश था, इसलिए नहीं कि वो गोरखपुर से थे बल्कि इसलिए कि मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, छोटा भाई दिखने लगा, मैं भी उन्हें एक भाई की तरह ही प्यार करता था और वो भी मुझे भाई की तरह मानते थे। देखते देखते हमारी दोस्ती रिश्ते में बदल गई, देवर भाभी के रिश्ते से वो सुषमा से कभी कभी मजाक भी कर लेते थे और कभी कभी तो मेरे सामने भी मजाक कर लेते थे। एक बार मुझे 3-4 दिन के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। पगली, विदेश थोड़ी जा रहा हूं, 3-4 दिन के लिए जा रहा हूं, जरा सोचो अगर 3-4 महीने के लिए जाता तो आपके बिना तो मैं मर ही जाऊंगी।
समझता हूँ, लेकिन मुझे अकेले डर लगेगा। अब हंस क्यों रहे हैं? अब समझा तुम रो क्यों नहीं थी? क्यों? मेरे जाने के लिए नहीं, डर के मारे। जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। लो दही चीनी खिलाओ, टाइम भी हो रहा है। और हाँ, डर लगे तो चंदन को कॉल कर लेना। बाय। हेलो जी भाभी जी। हाँ देवर बबुआ, कहाँ पर हैं आप? मैं तो अभी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, आप बताइए क्या सेवा है? आज शाम को आप मेरे घर आ जाइए। शाम को क्यों? अरे भाभी आप बोलिए तो मैं अभी आपके घर आ जाता हूँ। अरे बस आप आदेश तो करिए, लोग सिर के बल आने की बात करते हैं, मैं एक पैर पे लंगड़ी कूदते कूदते आ जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, लंगड़ी कूद कर आने की कोई जरूरत नहीं है, अभी आप जहाँ पे जा रहे हैं वहीं जाइए, शाम को आ जाइए। कोई खास बात भाभी? कोई खास बात नहीं है, आपके भैया बाहर गए हैं 3-4 दिन के लिए और मुझे अकेले में डर लग रहा है, इसलिए कह रही हूँ। ठीक है भाभी, आता हूँ शाम को। रात चंदन सर मेरे घर पे गए और उन्होंने डोरबेल बजाया, सुषमा उस वक्त नहा के निकल रही थी। रात को नहा कर? हाँ सर, सुषमा खाना पीना बनाने के बाद नहाती जरूर है। ओ अब आ रहे हो, इतनी देर लगा दी, मुझे डर लग रहा था। सॉरी भाभी। अरे अब अंदर तो आने दीजिए भाभी। आइए आइए। ऐसे क्या देख रहे हैं आप भाभी? आज तो आप कयामत लग रही है, अगर शैलेश भैया होते ना तो? तो अरे ये आप क्या कर रहे हैं? इसे आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। अरे भाभी अब भूख किसे है, आपका ये हुस्न देख करके तो मेरी भूख ही मर गई भाभी। ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, अब छोड़िए मुझे। अच्छा नहीं लग रहा है भाभी, लेकिन अच्छा कर रहे हैं। आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या? उठो चंदन, सुबह हो गई है, मैंने चाय बनाई है तुम्हारे लिए, पी लो। अभी रात की खुमारी उतरी नहीं है भाभी। चंदन छोड़ो मुझे, ये सब ठीक नहीं है, हम लोग गलती कर रहे हैं। अरे भाभी इतना घबराती क्यों है? फिर से गलती कर लेते हैं, गलती सुधर जाएगी। बस चंदन अब और कोई गलती नहीं। अरे भाभी गलती एक बार करो या बार बार, जो होना था वो हो गया, तो अब कैसा घबराना। मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि उस रात वो चंदन के साथ जज्बात में बह गई और वो सब कर गई जो उसे नहीं करना चाहिए था, उसने मेरे साथ विश्वासघात किया। लेकिन चंदन उसने इस बात को मेरी वाइफ की कमजोरी बना लिया और उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगा। हेलो भाभी। हाँ चंदन। भाभी आज ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा है, आप बोलिए तो आ जाऊं।
नहीं नहीं आशु, तुम्हारे भैया आ जाएंगे, कोई जरूरत नहीं है। भाभी तभी तो मैं दिन में आ रहा हूँ, और वैसे भी अब तो हम तभी मिल पाएंगे जब भैया दिन में ड्यूटी पे रहेंगे और मैं ड्यूटी से छुट्टी पे। मैं आ रहा हूँ भाभी। हेलो चंदन, ये भी ना, इतनी जल्दी आ भी गया? चंदन की कारस्तानी सुनकर मेरा खून खौलने लगा और मैंने इसे भी दो तीन थप्पड़ मारे, और उसी वक्त मैंने चंदन के लिए मन ही मन बहुत भयानक फैसला किया। प्यार में दाव था। अरे आप, इतनी जल्दी आ गए? हाँ काम खत्म हो गया, तो सोचा आपके पास आ जाऊं। ठीक है, अब हाथ मुंह धो के फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। ओके। रुको, मैं देखता हूँ। अरे भैया आप कब आए? बस अभी भी आ रहा हूँ, जूते उतार कर मोजे उतार रहा था, एक मोजा उतारा तब तक घंटी बज गई। और बताइए कैसी रही आपकी ट्रिप? बस बढ़िया। तुम्हारे अचानक दिन में कैसे? तुम तो रात में ही रहते हो ना, सुषमा ने मुझे फोन करके बताया था। वो क्या है ना भैया कि मैं इधर ही आया हुआ था, सोचा भाभी से पूछता चलूं कि किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। अब उनकी जरूरत पूरी नहीं करूंगा तो आपका थप्पड़ मिलेगा ना? क्यों भाभी? अब ऐसे अब आप आ गए हैं तो मैं चलता हूं। वाह भाई, ऐसे कैसे हा? चलो चाय पीते हैं। ठीक है। मैं आप दोनों के लिए चाय बना के लाती हूं। और बताओ कैसा चल रहा है? और सब बढ़िया है भैया? धीरे धीरे दो महीने का वक्त बीत गया। एक दिन जब मैं ऑफिस से घर आया तो मेरी वाइफ फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उससे रोने का कारण पूछा तो उसने मुझे चंदन की सारी हकीकत बताई। चंदन की कारस्तानी सुनकर मेरा खून खौलने लगा और मैंने इसे भी दो तीन थप्पड़ मारे, और उसी वक्त मैंने चंदन के लिए मन ही मन बहुत भयानक फैसला किया। यस सर। अरे कहाँ हो चंदन? सर मैं तो घर जा रहा था, कोई काम हो तो बताइए। दरअसल आज तुम्हारी भाभी ने एक स्पेशल डिश बनाया है, आ जाइए ना सर। कितने देर में आ रहे हैं? सर मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स। गुड, ओके सर। ये गोली डालने से नशा और तेज हो जाएगा। अरे आइए चंदन सर, 10 मिनट बोल के 20 मिनट लगा दिया। एयरफोर्स वाले तो वक्त के बहुत पाबंद होते। सॉरी सर, ऑफिशियल काम से कुछ लेट हो गया। ओके आइए। Yeah.
अरे सर बैठिए। अरे सर ये सब, अरे सर कभी कभी हम लोग को भी इंजॉय कर लेना चाहिए। लेकिन सर मैं नहीं पीता। अरे बड़े भाई की तरह दे रहा हूँ, ले लो। कम ऑन। थैंक यू। वेलकम। चीयर्स। यस। कम ऑन कम ऑन। नहीं सर नहीं, मैं वैसे भी पीता नहीं हूँ। बस थोड़ी सी बस 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 चलता हूँ सर। आपने अपनी बीवी की बात मानकर चंदन शुक्ला को मौत के घाट उतार दिया क्या? इस प्रेम कहानी और मर्डर में चंदन अकेला जिम्मेदार है? प्यार में सावधान। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, सुषमा की इज्जत साथ खिलवाड़ किया है। उसको बाथरूम मेरे चलते हैं, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बूटियों को प्लास्टिक के थैले में भरकर फ्रिज में रख देते हैं। मौका देखकर एक एक टुकड़ा बाहर फेंक देंगे, जंगली जानवर खा जाएंगे। 16 टुकड़े 16 थैलियां ले और सुषमा दराज में रखी हैं। जाओ। सोलह टुकड़ों में काट डाला चंदन शुक्ला को। तो इंसान नहीं दरिंदा है। उफ, दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। कहाँ रखे हो टुकड़े? जवाब दे। मेरे फ्रिज में पड़े। आपने अपनी बीवी की बात मानकर चंदन शुक्ला को मौत के घाट उतार दिया। एक बार भी सोचने की कोशिश नहीं की कि यह बात इन्होंने अब तक क्यों नहीं बताई आपको? फोन पर बता सकती थी आप, चार दिन के बाद घर आए तब बता सकती थी, नहीं बताया। पूछो इनसे, सब कुछ ओपन हो चुका है मैडम, जेल की चार दीवारी आपका इंतजार कर रही है। आप सच्चाई बता दीजिए, छिपाने से कुछ फायदा नहीं। क्या इस प्रेम कहानी और मर्डर में चंदन अकेला जिम्मेदार है?
इंस्पेक्टर साहब, मैं चंदन से प्यार करने लगी थी और उससे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन उसने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो पहले से शादीशुदा था। बेवकूफ औरत, तेरी वजह से मैंने भाई जैसे दोस्त को मौत के मुंह में धकेल दिया और इस गुनाह के दलदल में तूने मुझे घसीटा है। दोस्तों, कितना दुख होता है जब कोई अपना ही अपनों की मौत का कारण बन जाता है। सुषमा और चंदन का रिश्ता बेशक अवैध था और इस अवैध रिश्ते के जन्मदाता दोनों ही थे। कब और किस मोड़ पर आकर विश्वास दगा दे जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए ऐसे प्यार से सावधान रहिए जिसका अंत आपकी जिंदगी का अंत ना कर दे। दोस्तों, इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।